हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए, आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मॉस यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के। जो हमारा टॉपिक होगा वो आरजी एंड एफ होगा, ठीक है, मतलब आरजीएफ। तो इसको देखिए क्या कहते हैं, तो ये आज हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जैसे आप मैथ लगाते हैं, सारा कुछ आप ऑटोमेटिक ही लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो इसे रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं रैंकिन गॉर्डन सूत्र, ठीक है। तो देखिए ये किस प्रकार से आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनेगा। ये कहेगा कि इस सूत्र को मतलब प्रूव करो, ठीक है। या तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि जैसे आपको फार्मूला दिया होगा प्रूव करने कहेगा, या तो आपको कहेगा कि रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला आपको प्रूव करना है, ठीक है। और किसके लिए, तो याद रखेंगे किसके लिए होगा, ये क्रिपलिंग लोड के लिए होगा। याद रखेंगे किसके लिए, क्रिपलिंग लोड के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे क्रिपलिंग लोड के लिए है, जब भी आप क्रिपलिंग लोड लगाते हैं तब, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, चैप्टर हमारा कॉलम से रिलेटेड है। किस चैप्टर से रिलेटेड है, तो ये हमारा चैप्टर कॉलम से रिलेटेड है। और कॉलम क्या होती है, कॉलम एज अ सपोर्ट मान सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हम मान लेते हैं कोई कॉलम है, ये हमारी नीचे से क्या है, ये फिक्स है, ठीक है। कॉलम क्या है, एज अ वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल ही सपोर्ट होती है, ठीक है। अब ये हमारा कॉलम है, तो मान लीजिए जब इसको हम क्या करेंगे, ये हम मान लेते हैं ये हमारा कोई शॉर्ट कॉलम है, ठीक है। शॉर्ट कॉलम, देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अभी हम आप लोगों को बताएंगे, इसी से आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसकी ज़रूरत सबसे पहले जान लीजिए कि जो आयलर ने बताया था, आयलर, देखिए आयलर ने क्या बताया था कि किसी लॉन्ग कॉलम के लिए बताया था, ठीक है। अब अगर हम कहें कि शॉर्ट कॉलम है हमारे पास, और शॉर्ट कॉलम हम मान लेते हैं ये है, ठीक है। अगर इस पर हम क्या करें, एक स्टेट मतलब स्टेट क्या करें, कंप्रेस स्ट्रेस लगाएं, मतलब क्या करना है, अगर हम कंप्रेस स्ट्रेस लगा रहे हैं एक स्टेट मतलब सीधा, तो क्या होगा, ये हमारा फ्रैक्चर हो जाएगा, या कह सकते हैं फेल हो जाएगा, ठीक है। अब जब फेल हो जाएगा, अगर हम यही कहें कि लॉन्ग कोई हमारा लॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, या कहें कि लॉन्ग कॉलम है, ठीक है, ये भी हमारा फिक्स है। तो जब लॉन्ग कॉलम है तो ये हमारा क्या होगा, बकलिंग, यानी क्या होगा, बकलिंग के कारण ये हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। बकलिंग के कारण याद रखेंगे, किसके कारण, बकलिंग के कारण, ठीक है, यानी बहकने के कारण ये क्या होगा हमारा, ये फेल हो जाएगा, यानी फ्रैक्चर हो जाएगा इसका भी। तो देखिए क्या किया कि रैंकाइन ने कहा कि ना तो कोई छोटा मतलब कॉलम हो, ना ही कोई बड़ा कॉलम हो, तो यानी कहें कि मीडियम कॉलम हो, ठीक है। तो इसके लिए रैंकाइन ने बताया कि इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले आप जान देखिए, इसको तो हमने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया है, ठीक है, बाकी आपका यहाँ से सारा कुछ शुरू होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब इसको प्रूव करेंगे, तो देखिए जब हम इसको शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपको जब ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, इस फार्मूले से ही आपका सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। ये फार्मूला क्या है, 1/P, और यहाँ पर देखिए सफिक्स में क्या है, R, 1/PC मतलब P है, सफिक्स में C है, उसके बाद 1/P और सफिक्स में E है, मतलब तीनों में ही क्या है, पी है, बट क्या है, सफिक्स में आर है, सी है और ई है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया है वेयर, ठीक है, जहाँ पर क्या है, देखिए जो पी आर है वो क्या है, एक रैंकिन लोड है या रैंकाइन लोड है, ठीक है, याद रखेंगे, और इसको लिख भी देंगे एग्जाम में। और जो हमारा पी सी है वो क्या है, क्रशिंग, देखिए सी का मतलब होता है क्रशिंग या कंप्रेसिंग हमारा लोड, ठीक है, याद रखेंगे, ये क्या है, क्रशिंग या कंप्रेसिंग मतलब कंप्रेसिंग लोड, ठीक है। जो पी ई है ये हमारा आयलर या क्रिपलिंग लोड है। अब क्रिपलिंग लोड के लिए हम इस फार्मूले को प्रूव कर रहे हैं, याद रखेंगे किसके लिए, क्रिपलिंग लोड के कारण, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, जो हमने फार्मूला बताया है, ठीक है, ये जो आपका फार्मूला है यही, इसमें क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम जब लेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ही हमारा यहाँ पर सॉल्विंग है, पीसी और पीई हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा पीई और प्लस पीसी हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं पीआर को, ठीक है। तो पीआर देखिए जो है हमारा, ये हमारा जब पीआर निकालेंगे, ठीक है, तो ये हमारा ऊपर पहुँच जाएगा, यह अभी क्या है, 1/PR है, ठीक है, तब इसकी वैल्यू ये है। तो हम पी आर ओनली फॉर निकालते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसको इक्वेशन मान लें या हम इक्वेशन ना भी माने तो भी इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे पी ई से भाग दे देंगे, ये देखिए लिखा हुआ है पी ई से हम क्या करेंगे, भाग दे देते हैं। अब तो देखिए जब पी ई से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी और पी ई, ठीक है,
और अपॉन में हमने क्या कर दिया, देखिए भाग देकर हमने इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे सही से एक्सप्लेन करना है ताकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी और प्लस पी सी अपॉन पी हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारा पी और पी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और अगर हम इसको देखिए, ये जो हमने इसमें डिवाइड किया है इसको देखिए पूरे को, तो इसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर देखिए जब हमने इसको डिवाइड किया है तो हमारा ओनली फॉर पी सी ऊपर बचा है और इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे अभी, देखिए, ठीक है। तो इसको हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, पी अपॉन पी और प्लस पी सी अपॉन पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी हमारा पी 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 हमारा डिवाइड हो गया, ये तो वन बचा और उसके बाद पी पी सी अपॉन पी बचा, ठीक है। अब क्या करना है, तो हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट कि जो हमारा एफ होता है, स्ट्रेस जो होता है वो, इसको हम स्मॉल एफ से देखिए लिख दिया, उसके लिए हमारा क्या होता है, पी अपॉन ए, ठीक है, ठीक है। अब इसको जब P अपॉन A होता है तो यहाँ पर देखिए C लगा हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, C लगा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एरिया में मत लगाना क्योंकि ये हमारा क्या है, एरिया है, ठीक है। अब देखिए तो इसको हमने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम पी सी की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें इसमें दिया है पी सी ऊपर, ठीक है, तो जब पी सी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा एफ सी इंटू ए हो गया। अब इसको हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पर पी सी की जगह हम क्या कर देंगे, एफ सी इंटू ए, ये पुट अप कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा फाइनली, तो देखिए पी सी इंटू में ए हो गया और वन प्लस यहाँ पर भी हमारा क्या था, पी सी था, पी सी की जगह हमने एफ सी प्लस एफ सी इंटू ए लिख दिया। और देखिए ये कहाँ से आया, तो ये देखिए जो हमारा पी ई लिखा हुआ था इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। याद रखेंगे आयलर का हमारा इसका फार्मूला होता है, ठीक है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर ये हमारा कॉन्स्टेंट है, ई हमारा क्या है, इलास्टिक ऑफ मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है या यंग मॉड्यूलस कहते हैं, आई क्या है हमारा, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है, मतलब इनर्सिया भी कह सकते हैं, ये हमारा एल क्या है, एल स्क्वायर, ये हमारी लेंथ है एल। अब देखिए इसको, ये फार्मूला होता है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसको अब हम पुटअप कर दिए हैं जहाँ पर हमारा पी लिखा हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे, ये देखिए पी लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होगा, देखिए अब फाइनली आपका यहाँ पर सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो पी आर इक्वल टू क्या हो गया, एफ सी इंटू ए हो गया वन प्लस एफ सी इंटू ए। अब देखिए एल स्क्वायर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था तो ये हमारा ऊपर चला गया, ठीक है, तो ऊपर चला गया तो इस इंटू में एल स्क्वायर हो गया और पाई स्क्वायर ई आई यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं कि आई इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर, या कह सकते हैं एरिया के लिए आई इक्वल टू ए के स्क्वायर होता है, ठीक है, ये क्या है, मास के लिए है, ये हमारा एरिया के लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू रख दें ए के स्क्वायर, तो देखिए क्योंकि एरिया आपको दिख रहा है तभी बेनिफिट मिलेगा, तभी हमने क्या किया है, एरिया के लिए इसको लिखा है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं, ठीक है, इस देखिए उसके बाद हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आई की वैल्यू पुट अप करने पर, ठीक है। तो यहाँ से पी आर की जो वैल्यू आई वो क्या आई, देखिए एफ सी इंटू ए और वन प्लस एफ सी इंटू ए एल स्क्वायर हो गया और पाई स्क्वायर ई, ये हमारी आई की वैल्यू हो गई, ए से ए हमारा डिवाइड हो गया। और देखिए अब हमने क्या किया इसको, देखिए यहाँ पर हमने किया एफ सी इंटू ए वन प्लस एफ सी, इसको हमने देखिए जो कांस्टेंट वेरिएशन है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमने क्या किया, एक साथ ले लिया, ठीक है। अब देखिए तो ये जो हमारा एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर है, इसको हमने एक साथ ले लिया है यहाँ पर, देखिए तो देखिए यहाँ पर हमने जो लिया है, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये वन प्लस ये हम यहाँ हमारा पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, और ये हमारा एल अपॉन एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर था, तो हमने पूरे इसको सिंगल सिंगल लेकर पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, उसका मीन्स यही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने किया, क्योंकि देखिए ये हमारा कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम क्या मानते हैं, ए, इसी को हम क्या कहते हैं, रैंकाइन कांस्टेंट, ठीक है, यही हमारा रैंकिन कांस्टेंट होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसे, यही हमारा क्या है, रैंकिन कांस्टेंट है, जिसे हम ए से डिनोट किए हुए हैं, ठीक है, याद रखेंगे यही हमारा क्या है, रैंकिन कांस्टेंट है, जिसको जिसे हमने क्या किया है, ए से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा दूसरी इक्वेशन बनेगी, जब हम कांस्टेंट रखेंगे ए, तो ये हमारा पी आर इक्वल टू एफ सी इंटू ए वन प्लस ए एल अपॉन के स्क्वायर, ये हमारा प्रूव्ड हो गया है, ठीक है, ये देखिए हमने बताया है ए बराबर हमारा रैंकिन कांस्टेंट है, तो ये देखिए फाइनली हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। तो इसे आप लोग क्या करें, देख लें, ठीक है। तो सारा कुछ आपको जिसको समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ठीक है।
ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट है वो क्या करें, जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी क्या करें, ज्वाइन कर ले, ताकि आपको इसका एडवांटेज मिल सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।